दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के मुझे जो काफ़ी बार कमेंट आ चुके थे कमेंट सेक्शन में, कि अगर हम घर पे जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो है गाटर टुकड़ी की छत देते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है गाटर टुकड़ी गाटर पत्थर की छत जो यहाँ पे है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे, और सेम अगर हमें जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो इसके ऊपर अगर जो है रूम बनाना हो, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ही अगर हमें जो है एक रूम और बनाना हो, तो क्या उस पर हम जो है RCC की छत दे सकते हैं? देखो, इसके ऊपर जो है आप गाटर टुकड़ी छत तो आप दे ही सकते हो, ये तो सबको पता है, ठीक है, इजीली कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या इसके ऊपर गाटर टुकड़ी की छत के ऊपर क्या आप जो है मतलब कि RCC की छत दे सकते हो? तो दोस्तों यही जो मैं आज आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे दोस्तों जो है ये गाटर टुकड़ी छत दिख रही है, और अभी जो है हम जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है जा रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे अब जो है हम आ चुके हैं दोस्तों, और जैसे कि आप देखो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जो है RCC की जो छत होती है दोस्तों वो जो है बनाई गई है, ठीक है, और जो ये मकान है दोस्तों, जो जैसे हमारे आपको पता ही होगा कि जो मकान होते हैं दो तरीके से बनते हैं, एक तो जिस मकान में कॉलम और बीम होते हैं, और एक जो जिस मकान में कॉलम बीम नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये जो मकान दोस्तों इसमें कॉलम बीम नहीं है, ठीक है, जो जिस स्ट्रक्चर को जो है बोलते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में हमारे कॉलम बीम नहीं होते हैं उसको बोलते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, और जिस स्ट्रक्चर में हमारे कॉलम बीम होते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये जो मकान है, जो पहले जमाने के जो मकान जैसे गाँव देहात में जो बनते थे, तो उस टाइप का मकान है, ठीक है, इसमें जो होता है जो लोड जो होता है पूरे मकान का वो दीवारों पे होता है, और जो फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें हमारे कॉलम भी होते हैं तो उसमें जो सारा लोड होता है वो हमारा कॉलम पे होता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, इसमें जो सारा लोड है दोस्तों ये हमारी दीवारों पे है। तो दोस्तों क्या हम जो है RCC छत देना ठीक रहेगा? तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो है गाटर पत्थर की छत है आपकी, और उसके ऊपर अगर आपने जो है RCC छत जो आपको बनवानी है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्किल्ड जो है मेसन जो है आपको जो है इसके लिए जो है हायर करना पड़ेगा, ठीक है, स्किल जो है कॉन्ट्रेक्टर लगा लो, मेसन लगा लो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी गाटर टुकड़ी जो नीचे छत है, ठीक है, लोड तो जो है सारा वो जो है दीवारों पे जाएगा, बट इसमें होता है क्या है दोस्तों, जो आपकी शटरिंग अगर हम करेंगे इसके जस्ट ऊपर वाली छत पे, वो जो शटरिंग करेंगे, जो शटरिंग की प्लेटें होती हैं लोहे की भारी भारी, ठीक है, और बीच में जो सलियों की जो उसकी जो बल्ली होती है, बल्ली की सपोर्ट होती है, ठीक है, तो अगर आपने ज़्यादा ठोका पिटी की या फिर कभी बाई दबे हाथ से कोई प्लेट छूट गई और डायरेक्ट वो आपकी उस पर गिरेगी सिली पे, तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों कि आपकी जो गाटर की जो आपके साथ जो टुकड़ी होती है, जो पत्थर होता है, ठीक है, तो वो पत्थर टूटने का जो डर रहता है, तो ये जो है सबसे बड़ा जो है इसमें रिस्क होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जब जिस टाइम पे आप शटरिंग करते हो उस टाइम भी बहुत अपने केयरफुली आपने जो है शटरिंग करानी है, और जिस टाइम दोस्तों आप जो है जैसे कि आपकी 14 दिन के बाद जब आप शटरिंग खोलोगे, ठीक है, RCC छत आपने डाल दी, 14 दिन के बाद जब आप शटरिंग खोलोगे दोस्तों, तो उस टाइम भी आपने जो शटरिंग वाले को बोलना है, मिस्त्री को बोलना आपने कि भी छत जो शटरिंग है वो एकदम से गिरानी नहीं है, क्योंकि अगर आप गिराओगे तो आपकी जो छत है वो गाटर पत्थर की छत है आपकी, RCC की छत नहीं है, कि आप गिराओगे तो उसको जो है वो चीज़ जो है वो कर लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, तो ये जो है आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको एक एक प्लेट जो है मैन्युअली बिल्कुल हाथ से लेबर से उतरानी पड़ेगी दोस्तों। बस यही एक रिस्क होता है शटरिंग लगाने का और शटरिंग खुलवाने का, अदरवाइज दोस्तों क्या है कि आप जो है इजिली जो है आप जो RCC छत आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही रिस्क रहता है कि भी आप शटरिंग जब लगाते हो उस टाइम पे कहीं आपकी प्लेट व्लेट हाथ से छूट ना जाए, और जिस टाइम पे आप खोलते हो उस टाइम पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इसी वजह से जो है प्रीफर लोग यही करते हैं कि भी आप गाटर पत्थर की आपकी छत है नीचे वाली, तो ऊपर भी आप जो है गाटर पत्थर की छत ही दो, ठीक है, RCC देने की बजाय। बट अगर आप केयरफुली अगर आप चाहते हो कि ये कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे भी ये चीज़ की गई है, ठीक है, तो यहाँ की गई तो आप भी अपने उस पर कर सकते हो, बट आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी कि भी कोई प्लेट हाथ से छूट ना जाए, और जो भी आपकी शटरिंग वाला है उसको आपने पहले बोल देना है कि भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और मे भी दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे जो है काफ़ी कमेंट आ चुके थे कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें तो आपने इस वीडियो में देख ली है, आप कर सकते हो, करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की जो सावधानी रखनी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की और तमाम वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।